यस, वी हैव गॉट दिस रियली। वेदर फिर से क्लाउडी हो गया। तो एक बात है कि सॉरी कोई नहीं, सांस चढ़ता है, सांस चढ़ता है बहुत। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक प्रीक्वल वीडियो है। प्रीक्वल मतलब कि जो मुझे वीडियो बाद में डालनी चाहिए थी वो मैं पहले डाल रहा हूँ। और मैं पहले इस वीडियो को इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसका नाम है कि वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसको पैराडाइज ऑन अर्थ और यूनेस्को ने तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे रखा है। तो ये वीडियो मैं पहले डाल रहा हूँ क्योंकि अभी इसका सीज़न 3-4 महीने का ही सीज़न होता है घूमने का, तो मैं इस वीडियो को पहले डाल रहा हूँ। बाकी जो हमने स्टार्टिंग करी थी जर्नी की वो वीडियोस इसके बाद आएंगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया तो मैं इसको पार्ट्स में लेके आऊँगा और इसके बाद वीडियो आएगी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की। और उसके बाद तो जो हमने स्टार्टिंग करा था अपना ट्रिप और कहाँ कहाँ घूमे, उसके बाद वो कंटेंट आएगा। तो वैली ऑफ फ्लावर्स में पहले वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और हर किसी को वहाँ जाना चाहिए अगर जब भी उसे मौका मिले। वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट है और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब भी बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है। तो इस वीडियो को अब शुरू करते हैं, आप इस वीडियो को देखिए। अभी टाइम 6:30 हो रहे हैं और चाय पीने के बाद थोड़ा मोड़ा नाश्ता करने के बाद हम निकलेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो आज का पूरा दिन वैली ऑफ फ्लावर्स का ही ट्रैक रहेगा क्योंकि काफ़ी लंबा है और बीच बीच में रुक के जाना पड़ेगा खा पी के। तो आज पूरा दिन वैली ऑफ फ्लावर्स में ही निकलेगा। तो अब निकलते हैं। सो दिस इज़ अवर लोकल ईटरी। अभी हम चाय लेते हैं यहाँ पर और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए हम पैक कराएंगे अपना लंच यहीं से। 4 आलू प्याज परांठा हमने पैक करा लिया, अभी हम चाय पीते हैं। तो हम निकल पड़े हैं, अभी हमने लंच पैक अपना करा लिया है और अभी हम एक भाई से मिलेंगे, उससे हम कल मिले थे। राज ने उसके बारे में हमें बताया था कि वो एक यूट्यूबर भी है और यहाँ के लोकलाइट भी हैं। और कल मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी राज के साथ, तो काफ़ी अच्छे इंसान लगे। यूट्यूबर सेकंड नंबर पे हैं पर उससे पहले वो एक अच्छे इंसान है, जैसा कि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा था उनसे बात करके। तो अगर अभी वो मिलते हैं, थोड़ा सा वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या लोकेशन और क्या क्या देख सकते हैं हम। तो अभी उन्हीं से मिलेंगे, गौरव भाई से, जो कि यहीं पर रहते हैं। तो गौरव भाई का चैनल का नाम है उत्तराखंड वाला एक्सप्लोरर। तो जितने भी हमारी छोटी सी ऑडियंस है, आप उनका चैनल जरूर देखिए और अगर पसंद आए आपको उनके वीडियोस को तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वेदर फिर से क्लाउडी हो गया। थोड़ी देर के लिए ही धूप निकली थी, अब फिर से वेदर जो है बहुत ही क्लाउडी हो गया है। तो गुरुद्वारे वाली जो रोड है ये सीधा ही वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जाती है, तो हम अब उसी रोड पे चल रहे हैं और यही रोड हेमकुंड साहिब के लिए भी जाती है। सही चलने के बाद सांस उखड़ने लगे हैं। तो राज, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सो एक बात है कि सॉरी कोई नहीं, सांस चढ़ता है, सांस चढ़ता है बहुत यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हाइट टच करने की कोशिश करते हैं। हर 10 मिनट में यू क्रॉस अबाउट 100 फीट अप एंड अबव। सो एंड इमेजिन, हमें आज तो वैली ऑफ फ्लावर्स कर रहे हैं जो 9600 फीट से 10,500 फिट के लेवल में है, बट कल हेमकुंड साहिब हम करेंगे जो कि 9600 फिट से 14,300-14,400 फिट लगभग तक जाना पड़ेगा। सो चढ़ाई बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा कल। चढ़ाई के कारण तो सांस चढ़ते ही है आपको और जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता रहेगा। तो एक फैक्टर वो भी है कि ऑक्सीजन लेवल भी कम होता रहेगा, ऑक्सीजन जो है वो आपका डिप्लीट होता रहता है। तो चलो अब आगे ही चलते हैं।
काफ़ी ज़बरदस्त ग्रीनरी है यहाँ पर, और ठंडा मौसम तो आई लेकिन ट्रैकिंग करने के कारण, और स्वेटर तो पहन ही रखा है हमने क्योंकि ठंड ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी अब ट्रैकिंग करने के कारण पसीना आने लगा है। तो पर आपको पसीना आने के बाद स्वेटर एकदम से नहीं निकालना है, अगर आपने निकाल दिया और यहाँ पर टेम्परेचर अराउंड 12 degrees है इस वक्त, और अगर आपने पसीने में स्वेटर निकाल दिया तो आपको सर्दी भी लग सकती है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। गौरव भाई तो अभी हमें मिले नहीं, सुबह हम गए थे उनके पास, वो कहीं बिजी थे, तो शाम को कोशिश करेंगे या अगले दिन जब भी वो मिले उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस तरह से वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए पहुँचने के लिए आपको हल्की फुल्की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी उबड़ खाबड़ और रॉकी है, काफ़ी पत्थर हैं, तो आपको उसके लिए जूते एरियाज के लिए आपके जूते परफेक्ट होने चाहिए, उसकी ग्रिपिंग परफेक्ट होनी चाहिए। और आप जब भी असेंड करें ऊपर, जैसे पहले भी मैंने बताया था, असेंड करें आपकी बॉडी पीछे की तरफ टिल्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का सा माइन्यूट सा आपका बॉडी टिल्ट आगे की तरफ होना चाहिए, इससे आप गिरने से बचेंगे। इसकी टाइमिंग 7 से 12 बजे है, तो अगर आपने आना है 7 to 12 ही एंट्री है, तो 12 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं होगी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक करते हुए जब आप जाएंगे। अभी वैली ऑफ फ्लावर्स वैसे एक्चुअली शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपका ट्रैकिंग ही बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस है आपको। आप यस, वी हैव गॉट दिस रियली रॉकी पैच, यू नो, वाव, रियली प्रिटी। That's our vlogger. He's thirsty and he wants to drink some mountain water which has all the minerals. जो हिमालयन वाटर आपको ब्रांडिंग बॉटल में 60 रुपए में बिकता है ना, वो यहाँ से लेते हैं आई गेस। हाउ इज इट, कैसा है टेस्ट? मस्त, सुपर कोल्ड। अब थोड़ा कैमरा सामने ही कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो केयरफुल, अगर आप यहां से फिसले तो सीधा नीचे। Oh my God! Yes, man, you didn't click the photo. You were saying that you will click the photo. अभी इसे किसने? चलो। इन्होंने हमें एक बात कही है कि आपको कितने बजे वापस यहाँ से? 1:30. आप जहाँ कहीं भी हो, आपको 1:30 पे वापस डिसेंड करना है, तो इट्स बेटर यू स्टार्ट अर्ली। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ टिकट राज? 150। सो प्राइस 150 रुपये है पर पर्सन, और जैसा कि ज़्यादातर जगहों पे टूरिस्ट जाते हैं, गंदगी फैलाते रहते हैं, तो कृपया इस ब्यूटीफुल प्लेस पे गंदगी ना फैलाएं किसी भी तरह का, क्योंकि जगह बहुत ही सुंदर है। तो जितने भी रैपर्स हैं, कुछ भी है आपका सामान जो रैपर्स हैं, वो तो अपने साथ वापस लेके जाएं।
Our trek leader is Mr. Raj from Hiking Group, Indian Hiking. You can contact him for any sort of trekking. See, he's in full gear with his stick and all stuff. Such a beautiful view. मेरे को राजकुमार को apart from animals, nature से बहुत प्यार है. तो जब भी हमें मौका मिलता है तो हम जरूर जाते हैं जहाँ नेचर हो और एनिमल्स हो, स्पेसिफिकली डॉग एंड कैट्स. यू हैव टू रेज योर वॉल्यूम. नेचर और दिस काइंड ऑफ प्लेसेस वेयर आई रियली फील अलाइव एंड कनेक्टेड. पता नहीं ऑटोमेटिक बंसा बन जाता है कि नहीं चलते हैं, लेट्स जस्ट डू दैट. जैसे हमारे कैंपस के पीछे संजय वन है, जब भी जाता हूँ बहुत अच्छा लगता है वहाँ. वो भी बहुत अच्छा है. आप ये लोग बोल सकते हैं कि कुछ लगाव है जो कि डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है. ये इनहेरेंट फील किया जा सकता है. ये आपका लगाव इनहेरेंट आता है, आपको बनाने से नहीं बनेगा. तो उसी लगाव की वजह से और नेचर की बुलावा की वजह से आ जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह. हाँ, ये तो है. चलिए आगे. चलो चलिए. यहाँ पर कई तरह के पक्षी तो हैं और साथ में फिरोशियस एनिमल्स भी हैं, जैसे कि आपका ब्लैक बियर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, तो वो भी यहाँ पर हैं. उसके अलावा भी कुछ फिरोशियस एनिमल्स हैं जो यहाँ आपको मिल सकते हैं, पर अभी तो हमें कुछ दिखा नहीं. पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये सारे एनिमल्स यहाँ पर होते हैं. ओके, वेरी केयरफुल. नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. दिस स्टीप रॉक, स्टीप रॉक्स, वन स्टेप एट अ टाइम. ये देखिए, ये पहले भी बताया था लैंडस्लाइड्स को बचाने के लिए, और ये ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है. तो ये लैंडस्लाइड को रोकने के लिए, ताकि मिनिमम डिस्ट्रक्शन हो. बहुत ही जबरदस्त फ्लो है, बहुत ही जबरदस्त. और यहाँ पर बाहर, मतलब वहां चल रहा है लेकिन बहुत दूर है, यहां तक चींटे आ रहे हैं, इतना तेज है वो. अभी मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आगे काफी स्टीप राइज, स्टीप क्लाइंबिंग है और रॉक्स उबड़ खाबड़ है. सारा का सारा जो आप देख रहे हैं, ये सब लैंडस्लाइड रोकने के लिए बना रखा है. अब यहाँ से काफी, मतलब पीछे 100 मीटर से स्टीप राइज, स्टीप क्लाइंबिंग हमारी शुरू हो गई है. तो हल्का फुल्का सांस चढ़ना शुरू हो गया, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं.